रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिएक्शन देखा था थायोनाइल क्लोराइड का। थायोनाइल क्लोराइड जो था वो बेसिकली एस डबल बॉन्ड ओ सी एल, सी एल को हमने कहा था, ठीक है। हमने देखा था कि अगर ये किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो इसमें होता ये है कि जो एस ओ, सबसे पहले एक क्लोरीन ग्रुप जो है इस प्रोटॉन को अटैक करता था, ठीक है, इस प्रोटॉन को अपने साथ से एब्स्ट्रैक्ट करा के एच सी एल प्रोड्यूस कर देता था, जिसकी वजह से सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता था, और ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज यूं करके ख़त्म कर देता था और इस दूसरे ऑक्सीजन पे, जिसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज आ जाता था, ठीक है, और ये इस सल्फर को जाके पॉजिटिव सल्फर के साथ जाके बॉन्ड बना लेता था यूं, डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो ये चीज़ प्रोड्यूस हो जाती थी। फिर हमने देखा था कि इसी प्रोडक्ट के अंदर ये जो एच सी एल अभी प्रोड्यूस हुआ था, ये एच और सी एल, इसका जो क्लोरीन पार्ट है वो न्यूक्लियोफिलिक है, वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को जाके हिट करता था, ठीक है, और ये जो बॉन्ड था ये यहाँ से शिफ्ट हो जाता था ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के साथ आके एक प्रोटॉन अटैच हो जाता था, और इधर नीचे इसके साथ आके एक क्लोराइड आयन अटैच हो जाता था। हम यहाँ पे यूँ कर लेते हैं क्लोराइड। अच्छा, ये एच सी एल के साथ हमने रिएक्ट करवाया क्योंकि एस ओ सी एल टू थायोनाइल क्लोराइड था। अगर हम थायोनाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाते तो भी एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म फॉलो होना था। अच्छा, इससे जो फाइनल हमने स्टेप देखा था वो ये था कि जो क्लोरो ग्रुप है ये अट्रैक्ट करने लग जाता है इस हाइड्रोजन को, और इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट करा के दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, एच सी एल प्रोड्यूस करा देते हैं एक दफ़ा फिर से, और इसकी वजह से होता ये है कि इस सल्फर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज आ जाता है। ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज इस तरीके से ख़त्म करता है कि ये इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बना लेता है, और कार्बन अपने बॉन्ड यूं करके स्टेबलाइज करा लेता है अपने आप को, वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट करता है और ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ सल्फर के साथ, और ये एक SO2 प्रोडक्ट ओवरऑल प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स थे, एक SO2 था, ठीक है, एक इस तरह का प्रोडक्ट था जिसको हम एसिड हैलाइड बोलते हैं, और साथ एक HCl प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। इसी प्रोसेस को अब हमने रिपीट करवाना है। अच्छा, मैं एक बार फिर से बताता चलूँ कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन देख रहे हैं, और रिएक्शंस हम लोगों ने तीन टाइप्स अभी तक देखी हैं। सबसे फर्स्ट टाइप जो है वो H एटम जिसमें इन्वॉल्व होता था, हमने देखा था कि ये सॉल्ट फॉर्मिंग रिएक्शंस थे जिनमें कार्बोक्सिलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी हम जो रिएक्शंस देख रहे हैं वो है OH जिसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और ये पूरा डिस्प्लेस हो जाता है, ये एज अ लीविंग ग्रुप यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और ये लीव करता है और यहाँ पे कोई नया ग्रुप आके अटैच हो जाता है। आज हम जो रिएक्शन देखने लगे हैं वो है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का, PClF5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉस्फोरस की तरफ पांच क्लोरीन एटम्स यूं करके अटैच होते हैं, PClF5 ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब हम साथ साथ ना ये दोनों ड्रॉ करते हैं, और आपको समझाने के लिए कि इन दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी है। जब हमने SOCl2 की बात की थी जो कि थायोनाइल क्लोराइड था, और ऊपर अब हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करने लगे। इन SOCl2 जब आपने RCOOH के साथ रिएक्शन करवाया था, और यहाँ पे भी आप RCOOH के साथ किसी भी जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने लगे हो, सबसे पहला स्टेप क्या था ऊपर वाले के अंदर? ऊपर वाले के अंदर सबसे पहला स्टेप ये था कि यहाँ से एक क्लोराइड जो है जिस पे नीचे वाले में यूं था कि ये चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जाके एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके HCl बना देता है, ठीक है, ये हम साथ साथ बनाते भी जाते हैं, एक HCl प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये H ख़त्म हो गया, इसने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करा दिया, और ये ऊपर वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, और ऊपर आके SOCl आके अटैच हो गया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कहानी। यही वाली कहानी अगर मैं ऊपर वाले के ऊपर अप्लाई करूँ कि यही क्लोरो ग्रुप आके इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसमें भी इसी तरीके से
HCl प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। यहाँ से ये प्रोटॉन ख़त्म हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, ये शिफ्ट हो जाएगा कार्बन की तरफ, ठीक है। और कार्बन की तरफ शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा जिसका नीचे बन गया था। और ये जो यहाँ से एक डबल बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर एक बॉन्ड, और ऑक्सीजन के साथ आके PCl4 अटैच हो जाएगा। पी के चारों तरफ क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। अभी तक तो कहानी दोनों के अंदर फर्स्ट स्टेप इसका मतलब है सेम है। सेकंड स्टेप के अंदर, इसके अंदर हमने ये बोला था कि यही जो HCl अभी प्रोड्यूस हुआ है ना, इसमें जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो आके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अटैक करेगा, ठीक है। हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्लोरीन आके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अटैक करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये न्यूक्लियोफिलिक है नेचर में। और ये डबल बॉन्ड जो है, इसका पाई क्लाउड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और वो उस पे जाके एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो वंस अगेन आप इस पिछले वाले बॉन्ड को ब्रेक करा दोगे और यहाँ पे आप H अटैच करा दोगे और इस नीचे वाले के साथ आप Cl अटैच करा दोगे, ठीक है। और अब ये हुआ है कि ये वाला HCl पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ऊपर वाले में भी एग्जैक्टली यही कुछ होगा। ये क्लोरो जो है ये आके अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, ठीक है, और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। क्लोरो आके अटैच हो गया, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये एक ख़त्म हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और ऑक्सीजन के साथ आके एच अटैच हो जाएगा। यहाँ तक भी कहानी दोनों की सेम हो गई और इसमें भी नीचे से HCl जो है ये ख़त्म हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप जो था, अब हम अगेन SOCl2 वाला रिपीट करते हैं। SOCl2 में ये हुआ था, इसी के अंदर से एक क्लोरीन जो है उसने इस प्रोटॉन को अटैक किया था, ये दोनों का आपस में बॉन्ड बन गया था, HCl एक चीज़ प्रोड्यूस हो गई थी। इसको हम बल्कि लेट्स चेंज द कलर, एक HCl प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। HCl जब प्रोड्यूस हुआ तो पीछे कंपाउंड की हालत कुछ ऐसी रहेगी कि इस सल्फर के ऊपर एक पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ये बाकी चीज़ें हम ख़त्म कर देते हैं। अब इसकी वजह से हुआ ये कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो गया और उसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो गया। लेकिन अब कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया और वो इस तरीके से ख़त्म होगा कि ये ऊपर भेज देगा उसको और इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और ये दोनों अपने आपके साथ यूँ बॉन्ड बना लेंगे एंड यू कैन सी SOCSO2 आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा और एक ये प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, ठीक हो गया। यही वाला फाइनल स्टेप अगर मैं ऊपर वाले के लिए करूँ तो यहाँ से एक क्लोरीन जो है, जो करीब तरीन क्लोरीन है, ये आके इस H के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से एक H और ये वाला क्लोरीन जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। फॉस्फोरस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज। ऑक्सीजन माइनस चार्ज ऐसे ख़त्म करेगा कि ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा यूं करके, और कार्बन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गया जो कि वो ऊपर ऑक्सीजन पे शिफ्ट करा देगा यूं करके। ये ऑक्सीजन पे जब शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे अब नेगेटिव और फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यूं करके आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। एंड नाउ यू कैन सी इंस्टेड ऑफ SO2 हमारे पास ऊपर वाले केस के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, POCl3। और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो इस सिचुएशन में भी HCl ही होगा जैसे नीचे हमारे पास HCl प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। सो द रिएक्शन मैकेनिज्म इज सेम फॉर SOCl2 एंड PCl5 और दोनों में यही हो रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ओवरऑल डिस्प्लेस हो रहा है। अगर मैं किसी मखसूस उसकी बात करूं, लेट से आप HCOOH की बात कर रहे हो और इसके अंदर आप SOBr2 डालते हो तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक तो SO2 बनेगा ही बनेगा, ये SO2 हो गया, ठीक है। एक इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट HBr भी बनेगा ही बनेगा और तीसरा प्रोडक्ट ये होगा कि HC OO के एक तरफ आके ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इस रिएक्शन को बड़े गौर से देखो, मैकेनिज्म तो आप बहुत डिटेल में देख चुके हो अभी तक, ठीक है। आप अगर इस पे देखो इसमें हो क्या रहा है, हुआ इसमें सिंपली ये है कि यहाँ से ये OH जो है ये ब्रेक हुआ है,
यहां से, ठीक है, और यहां से एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, ठीक है। एच सी डबल ओ के साथ आके एक ब्रोमीन अटैच हो गया, और दूसरा ये हुआ है कि जो एस डबल बॉन्ड ओ है, ये जो ओ एच है, सॉरी ये जो ओ एच है, ये एस ओ बी आर ओ एच यू आके इसके साथ आके अटैच हो गया, जिसकी वजह से ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्ड बना के एच पी आर प्रोड्यूस करा दिए। एक एच पी आर अगर मैं साथ में बना दूं तो अब पीछे एस ओ टू प्रोडक्ट बन जाता, ठीक है। सो बड़ा आसानी से आपको ये मैकेनिज्म समझ आ जाता है। इसी तरीके से जब आपने पी सी एल फाइव के साथ रिएक्शन करवाया है, तो मसलन अब मैं इसमें भी फॉर्मिक एसिड ही लेता हूँ, फॉर्मिक एसिड का फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या पेंटाब्रोमाइड के साथ आप रिएक्शन अगर करा रहे हो, क्लोराइड 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 क्लोराइड, ठीक है, इनमें से ये होगा कि ये वाला एक बॉन्ड टूटेगा, इसी तरह यहाँ से भी दो बॉन्ड्स टूटेंगे जिससे उसमें टूटे थे। एच सी डबल बॉन्ड ओ के साथ आके सी एल आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लो, इसको मैं कार्बोक्सिलेट आइन नहीं कह रहा, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आइन यूं होता था कि उसमें ये ऑक्सीजन अभी एक रिटेन्ड होता था, बट इन द प्रेजेंट सिचुएशन देर इज नो ऑक्सीजन, सो दिस इज नो कार्बोक्सिलेट एट ऑल। अच्छा, इसको हम एसिड हैलाइड प्रोडक्ट बोल देंगे, जो कि इन प्रेजेंट सिचुएशन एसिड क्लोराइड है, ठीक है, फॉर्मिक क्लोराइड आई वुड से, क्योंकि फॉर्मिक उससे आपने डिराइव कराया है। अच्छा, दूसरा ये होगा कि कार्बन के तीन तरफ को क्लोरीन्स रहेंगे, बल्कि चार तरफ को, और एक क्लोरीन जो रिमूव हो गया था उसकी जगह एक OH आ गया, लेकिन OH ने एक हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड करके एक HCl प्रोड्यूस कर देंगे। पीछे फिर से ये होगा कि C डबल बॉन्ड O Cl3 प्रोड्यूस हो जाएगा, सॉरी इट्स नॉट C, इट्स P, सो POCl3, ये आपके पास एक बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी पूरे रिएक्शन को, जिस तरह हमने लास्ट टाइम एक एनिमेशन देखी थी ना यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल की साइड से, हमने एक इंटरेस्टिंग सी एनिमेशन देखी थी 3D के अंदर, अभी हम फिर एक और एनिमेशन देखते हैं जो आज आपने रिएक्शन देखा है इसके हवाले से, ठीक है। ये एनिमेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी, ये आपको दो प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, दो रिएक्टेंट्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं, इसमें आप देखो कि आपके पास ये जो ग्रीन कलर के एटम्स हैं ना, ये सारे के सारे क्लोरीन्स हैं, ठीक है, और ये जो दरमियान में एक ऑरेंज नज़र आ रहा है ये वाला, दिस इज़ फॉस्फोरस एटम, सो दिस इज़ पी सी एल फाइव। आप यहाँ से स्ट्रक्चर भी देख सकते हो पी सी एल फाइव का, कि चार एटम्स जो हैं वो तकरीबन एक प्लेन के अंदर हैं, और पांचवा एटम जो है वो बिल्कुल उससे परपेंडिकुलरली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक हो गया, ये पी सी एल फाइव का स्ट्रक्चर हो गया। देन यू कैन सी कि दूसरी तरफ हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये यहाँ पे ये कार्बन के तीन हाइड्रोजन, ये सी एच थ्री है, ठीक है, नीचे उसके साथ ग्रे कलर्स में कार्बन हैं और ऑक्सीजन रेड हैं, तो सी डबल ओ एच ग्रुप ये अटैच्ड है, अगेन ये ओ एंड देन दिस एच, तो सी डबल ओ एच और आप सॉरी एसिटिक एसिड का आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाने लगे हो। सो लेट सी के फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि एक क्लोरीन एटम एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा लेगा और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। रिपीट कर देते हैं एनिमेशन, हम क्लोरीन एटम ने उसके साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कन हो गया, और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में चला गया, और जो ऑक्सीजन ने जाके पी सी एल फोर के साथ रिएक्शन कर लिया, ठीक है, यू कैन सी पी सी एल फोर आके ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो गया। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होता है कि ये अभी तक जो है ना, ये देखो ये सी एच थ्री सी डबल ओ के साथ ये चीज़ आके अटैच हो गई है। अच्छा, यहाँ तक जो है ना ये बिल्कुल वही है जिस तरह आपने जो लास्ट रिएक्शंस देखे थे, हाइड्रोजन जिनके अंदर इन्वॉल्व था उसमें भी एसीटेट एक प्रोड्यूस हो जाता था, इसमें भी एसीटेट अटैच्ड है पी सी एल फोर के साथ या एस ओ सी एल के साथ लास्ट सिचुएशन में। तो एच सी एल ने जिस तरह पहले किया था कि क्लोरीन आके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अब अटैक करेगा, ठीक है, ये आपको एरो भी यही बता रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है इसको फिर यहाँ से ऑक्सीजन अटैक करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बिटवीन द कार्बोनाइल ग्रुप, ये आके
प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा लेगा. सो लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस. ये देखो ये करीब आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक कार्बन करीब आ रहा है उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक क्लोराइड, और उधर से प्रोटॉन ने उसके साथ बॉन्ड बना लिया. नाउ यू सी कि ये प्रोडक्ट बन गया. क्या आप मुझे जुबानी बता सकते हो अगला स्टेप क्या होगा? थिंक, इससे अगला स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप ये था, गुड, कि आपके पास जो फॉस्फोरस के साथ एक मजीद क्लोरीन जो है वो हाइड्रोक्सिल के एच को सेपरेट करा लेगा. ठीक है, करीब तरीन जो वहाँ से उसको नज़र आएगा, यहाँ से करीब तरीन उसको कौन सा नज़र आ रहा है? ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे. ठीक है, जिसकी वजह से ये होगा कि पी एक एच सी एल प्रोड्यूस हो गया और बाकी अंदर में केमिस्ट्री थोड़ी सी चेंज होगी. ठीक है, आई होप अभी भी आपको नज़र आ रहा है. ये आपस में देखना अभी रिएक्शन होगा. सी व्हाट हैपेंस, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन ने आपस में करीब आके एच सी एल प्रोड्यूस करा दिया और ये बाकी ज्योमेट्री चेंज होके नाउ यू कैन सी एक प्रोडक्ट क्या बन गया है. सबसे पहले इस वाले को देखते हैं. ऑरेंज कलर में सल्फर था, सल्फर के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया. सो दिस इज एस डबल बॉन्डेड ओ और साथ तीन क्लोरीन. सॉरी, दिस वॉज नॉट सल्फर, दिस वॉज फॉस्फोरस. सो पी ओ सी एल थ्री होगी एक चीज़. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो इस वाले को सी एच थ्री के साथ सी डबल बॉन्ड ओ अभी भी लगा हुआ है और एक तरफ आके क्लोरीन अटैच हो गया. सो इन दिस सिचुएशन वंस अगेन वी हैव फॉर्म्ड एन एसिड हैलाइड. ठीक है, सो ये जो हम रिएक्शंस अभी देख रहे हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिड हैलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक डेरिवेटिव है. इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मजीद भी डेरिवेटिव्स हैं. ठीक है, ये हमने इससे पहले भी बात की थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स की, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी. इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट जो डेरिवेटिव है ना, जो कि ये वाला जिसके अंदर आपके पास क्लोराइड ग्रुप्स वगैरह आके अटैच हो जाते हैं. नाउ यू कैन सी ये जो पीछे सी टू एच फाइव एक एथल ग्रुप अटैच्ड है और आगे आपके पास सी ओ सी एल. तो दिस इज़ प्रोपेनाइल क्लोराइड. तो इस तरीके से हमने अभी भी फॉर्माइल क्लोराइड या यू कैन से मेथनॉइल क्लोराइड प्रोड्यूस कर लिया, मेथनॉइल क्लोराइड. मेथनॉइल क्लोराइड, नॉट मेथनॉइल, मेथनॉइल. अच्छा, हम जो इससे नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे वो है एस्टेरिफिकेशन का. एस्टेरिफिकेशन का, एस्टेरिफिकेशन जो आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे डेरिवेटिव नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच का हम रिएक्शन करवाते हैं किसी रिएजेंट के साथ और होता ये है कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये सेपरेट हो जाता है और इसकी जगह हाइड्रोक्सिल की डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे आके एक ओ आर एक नया ग्रुप आके यूं करके ओ आर प्राइम ये ग्रुप आके अटैच हो जाता है. ठीक है, और ओ आर प्राइम कहाँ से आता है ये हम इसे एग्जैक्टली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में देखेंगे. जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो एक एसीटेट होता है, सॉरी इट्स नॉट एसीटेट, इट्स एन एस्टर. ठीक है, तो एस्टर का जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है बनने का वो और उसका सारा प्रोसीजर हम 3D एनिमेशन के अंदर भी देखेंगे, लेकिन इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.